हेलो एवरी वन दिस इज शशांक तिवारी फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर एंड आई वॉन्ट्स अगेन वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो और डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का पार्ट टू uh, कुर्ग को लेके कवर करने वाले हैं यानी कि कुर्ग वाला चैप्टर हम कवर करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर चाहे आप क्लास टेंथ में हो चाहे नहीं हो ठीक है चाहे आप क्लास टेंथ में हो या ना हो आप सब ये चैप्टर कवर करें ट्रस्ट में इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्स लगाई हैं यहाँ पर और आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये लेक्चर कवर करेंगे ना आप घर बैठे बैठे ही ना जन्नत की सैर करके आ जाएंगे ठीक है क्योंकि कुर्क क्यों को क्यों, क्यों जन्नत बोला जाता है जन्नत हेवन का एक टुकड़ा क्यों बोला जाता है ये सब आपको यहाँ पर समझ में आएगा एंड ट्रस्ट में अगर आप फुल्ली फोकस होकर इस लेक्चर को कवर करेंगे ना बहुत मज़ा आने वाला है अब चूंकि ये जो लेक्चर है लिटरली अंधेरे में देखने में ज़्यादा मज़ा आता यानी कि अंधेरे में रिकॉर्ड अगर करता लेकिन फिर वो दिखता नहीं देखो कुछ ब्यूटीफुल्स चीज़ें हैं जो समटाइम्स अंधेरे में जैसे मूवी देखते हैं अंधेरे में ही ज़्यादा अच्छी समझ में आती है दिखती अच्छी है तो ये भी जो कुछ लेक्चर है ना ये भी मज़ा आता लेकिन फिर भी लाइटिंग का इशू हम लोग यहाँ पर कर नहीं सकते हैं लेकिन डेयर स्टूडेंट्स मैं कितना एक्साइटेड मैं बता नहीं सकता हूँ ये लिटरली बता रहा हूँ बहुत धमाकेदार चैप्टर होगा और चैप्टर के साथ में लेक्चर भी होने वाला धमाकेदार तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर ठीक है क्लास इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर नंबर सेवन जो कि हमारा है ऑफ इंडिया पार्ट ठीक है, है लोकेश अब्रल के द्वारा लिखा गया आई होप आपको क्लीन दिख रहा होगा बहुत सही है सर एकदम डियर स्टूडेंट जितनी एच डी पिक्स हो सकती है कोशिश करिए आप लोग देखें और अपने आप को यहाँ सेटल डाउन करें थोड़ी देर के लिए चलो क्या है हमारा चैप्टर शुरू करते हैं चलो मैं अपना एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ चल कंटिन्यू करूंगा और आप लोग देखते रहें ठीक है तो क्या है स्टूडेंट्स uh, कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री कुर्ग क्या है एक कॉफ़ी कंट्री है सर कंट्री तो हमारा देश भारत है कुर्ग को बोला गया है यहाँ पर कुर्ग इज़ अ कॉफी कंट्री यानी कि कॉफी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है ठीक है तो कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट जो किसके लिए फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट के लिए रेन फॉरेस्ट क्या होता है सिंपल सी चीज स्टूडेंट्स एक ऐसा घना जंगल वाला क्षेत्र एक ऐसा घना जंगल वाला क्षेत्र जहां पे yeah. पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती हो क्लियर है रेन फॉरेस्ट का मतलब समझ में आया एक ऐसा घना जंगल जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो और जहां बहुत ज्यादा बारिश होती हो डन चलो तो इज अ कॉफी कंट्री एक कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट जो कि फेमस किसके लिए अपने रेन फॉरेस्ट के लिए एंड स्पाइसेस के लिए स्पाइसेस क्या है स्टूडेंट्स ये सामने आपको बहुत सारे मसाले दिख रहे होंगे ठीक है तो कुर्ग क्या है अपने मसालों के लिए फेमस है और साथ में अपने रेन फॉरेस्ट के लिए क्लियर है आज बहुत ही आराम से कवर करेंगे इस चैप्टर को फील uh, करना मजा आएगा देखो क्या है मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सीट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम ठीक है ड्रिफ्ट का मतलब क्या है बीन बींगड अलॉन्ग जेंटली बाय एयर द किंगडम ऑफ गॉड बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है बड़ा बड़ा बहुत मजा आएगा देखो मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ उसको कवर करने के लिए तो देखो पहली चीज तो आप देखो क्या है ये हमने मान लिया हमारा कुर्ग है मानना क्या है ही ठीक है ये हमारा कुर्ग कितना सुंदर दिख रहा है स्टूडेंट्स कितना ब्यूटीफुल नजर आ रहा है तो है क्या तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर अब डी रे स्टूडेंट्स क्या है मैंगलोर हमारा यहाँ पर कोस्टल टाउन है ठीक है तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में हमारा कुर्ग सिचुएटेड है मैसूर और मैंगलोर के बीच में हमारा कुर्ग जो है सिचुएटेड है स्थित है अब चूकी मैंगलोर यहाँ पर क्या है कोस्टल 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 टाउन 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 सर टाउन क्या होता है? टाउन का मतलब होता है है का मतलब समुद्र इलाके से लगा हुआ हमारा क्षेत्र यानी कि पर आसपास पानी वगैरह बहुत ज्यादा होता है तो समुद्री इलाके से क्या समझ में आयादत कि मिडवे बिटवीन मैसूर कोस्टल टाउन मैंगलोर, मैंगलोर, और मैसूर के बीच में हमारा गुर्ग है क्यों जन्नत बोल रहा हूँ पीस ऑफ हेवन ट मस्ट हैव ड्रिफ्टिड ड्रिफ्टिड का मतलब होता है बींग कैरिड अलॉन्ग जेंटली बाई एयर ठीक है आगे और पढ़ लेते हैं द किंगडम ऑफ गॉड कहने का मतलब यह है कि जो गॉड का किंगडम है जिसको हम लोग जन्नत और हेवन के नाम से जानते हैं वहां से क्या हुआ है? एक पीस ऑफ लेके आ गए फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा और मैं डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप इमेजिन करें कि मान लो ये गॉड ऑफ किंगडम है ठीक है और गॉड ऑफ किंगडम का मान लो एक छोटा सा पार्ट जो है हेवन हमने सुना है कि जन्नत बहुत खूबसूरत होता है ठीक है लेकिन ना, कभी बोलता है ना देखने वाला वाला कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन हम लोग बिलीव करते हैं हम ईश्वर पर बिलीव करते हैं हम मानते हैं जन्नत बहुत अच्छी है ठीक है तो ये मान लो कि है स्टूडेंट्स ये गॉड का किंगडम है और गॉड तो गॉड तो है ठीक है तो उनका ये पर्टिकुलर एक रीज़न जो है एक क्षेत्र जो है यहाँ से हमने ले लिया गया हमारे चैप्टर के अंदर तो कहने का मतलब ये कि ये जो है गॉड का किंगडम है और यहाँ पर क्या है कुर्ग है कुर्ग इन द सेंस एक बहुत प्यारा सा क्षेत्र है जिसको जो क्या है ड्रिफ्टेड किया गया यानी कि बाय एयर ड्रिफ्टेड किया गया और वो कहां पे बाय एयर ले आए हम लोग लेके आ गए हैं उसको कुर्ग के अंदर कर्नाटक में सिचुएटेड है तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि कुर्ग जो है उसको क्या बोला गया है पीस ऑफ हेवन यानी कि जन्नत का एक टुकड़ा है अब ये इसको आप कंक्लूड करें इस पूरे पैरा को तो क्या कहने का मतलब है मैसूर और मैंगलोर के बीच में कुर्ग हमारा सिचुएटेड है जो कि कोस्टल टाउन हमारा मैंगलोर है अब ये जो पीस ऑफ हेवन बोला गया है ये ड्रिफ्ट किया गया हो यानी कि ऐसा मान लो कि एयर से लाया गया है यानी कि बाय एयर अपने आप आया है हवा के द्वारा स्मूथली और वो कहाँ पर आके बस गया है वो बस गया है कर्नाटक में ठीक है जिसका नाम क्या है कुर्ग देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए गए और कितना प्यारा बोला गया है जो कि हैवी ठीक है नाउ आई थिंक यहाँ तक क्लियर है ये फर्स्ट पैराग्राफ था जो हमारा यानी कि जो फर्स्ट यहाँ पर इस स्लाइड में इंट्रो दिया गया ये कवर हो चुका हमारा तो ये आप लोग देख लीजिए एक बार ठीक है आगे बढ़ते हैं दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहिमिटेड बाय अ प्राउड ऑफ रेस ऑफ मार्शल हैविंग टू डू विद वार मैन ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स ठीक है थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा पहले समझें क्या है देखो स्टूडेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर लगाने का मतलब ही मोटो ही ये था कि आप लोग है ना इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे ठीक है क्या है दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स रोलिंग हिल्स क्या होता है वो समझें रोलिंग हिल्स का मतलब होता है जैसे आपको ये ये जो फोटो लगी है ये रोलिंग हिल्स की मतलब पहाड़ी वाला ऐसा क्षेत्र जो कि ऐसे ऐसे हो ठीक है कहने का मतलब देखो अरे पहाड़ है रोलिंग हिल्स यहाँ पे कुछ ऐसे सीन आ रहा है ठीक है फिर ऐसे आ रहा है तो क्या सीन है दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहिबिटेड बाय इनहिबिटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर कौन लोग रह रहे हैं ठीक है यहाँ के रहवासी कौन है तो उसके बारे में बताया गया है दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहिबिटेड बाय अ प्राउड और प्राउड प्राउड रेस कौन प्राउड रेस का मतलब है कि मार्शल वाले लोग यानी कि जिनको अपने आप पे गर्व होता है जो निडर होते हैं जो साहसी होते हैं उनको बोला गया है प्राउड रेस रेस माने हम जाते हैं नस्ल वगैरह ठीक है तो दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स ये जो लैंड है रोलिंग हिल्स जिसके हमें घाटियां दिख रही हैं ठीक है यहाँ पर कौन इनहेबिटेड है प्राउड रेस के प्राउड रेस ऑफ मार्शल यानी कि ये देखो आपको दिख रहा होगा ठीक है ये कितने स्ट्रॉग मैन होते हैं ठीक है हैविंग टू डू विद वॉर यानी कि कभी भी अगर वॉर की बात आती है तो ये लोग हमेशा निडर होकर आगे बढ़ते हैं ठीक है इसलिए बोला गया है मार्शल मार्शल मैन ब्यूटीफुल वुमेन ठीक है आज कोई मजाक नहीं होगा क्योंकि बहुत आ, आ, सीरियस वाला चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग है तो ब्यूटीफुल वूमेन भी वूमेन्स भी वहाँ पर बहुत आ, रहती हैं ठीक है थीके? बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं हमेशा बहुत सुंदर होती है ठीक है मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ ठीक है और मैं सम्मान करता हूँ ठीक है नारी सर्वोपरि होती है और सम्मानजनक आपको शरसत नमन ठीक है तो ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स यहाँ पर मार्शल मैन हैं और ब्यूटीफुल महिलाएँ हैं ठीक है वुमेन्स हैं एंड वाइल्ड क्रीचर्स ठीक है वाइल्ड क्रिएचर्स भी आपको आगे बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिलेंगे क्लियर है आपको आई थिंक यहां तक चीज नाउ कुर्ग और कोडागू कुर का दूसरा नाम क्या है कोडागू ये भी ध्यान रखना देखो चैप्टर कवर करेंगे क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएगा ठीक है तो कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेज एंड कॉफी प्लांटेशन क्या कहने का मतलब है देखो देखो ये मैप है हमारा और यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे कुर्ग और कोडागू ठीक है थोड़ा सा वैसे कर देते हैं

कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन एंड कॉफी प्लांटेशन क्लियर है कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देना डियर स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक जरूर साथ में लेकर बैठे की ठीक है है सब कुछ पीपीटी के फॉर्म में वहीं से लिया गया है। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं लास्ट में तो कुर्ग का दूसरा नाम है जो कि क्या है कर्नाटक का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ठीक है इज होम टू एवरग्रीन यहां पर क्या पाए जाते हैं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और साथ में स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशन सबसे ज्यादा यहीं पर होता है क्लियर है आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ चलो आगे बात करते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर थर्टी परसेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट क्या कहने का मतलब है चलो आगे देखते हैं आपको देख रहा होगा फोटो के माध्यम से एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर थर्टी परसेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग यहां पर थर्टी परसेंट क्या है स्टूडेंट्स यहां पर थर्टी परसेंट है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और वो क्या है ये देखिए यानी कि सब दूर क्या है घना जंगल हमें दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये सब क्या है यानी कि इस क्षेत्र का जो थर्टी परसेंट एरिया है वो किसने कवर कर रखा है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ने ठीक है ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे अब क्या लिखा गया देखो ड्यूरिंग द मानसून यानी कि मानसून के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे यानी कि यहाँ पर इतनी बारिश होती है मानसून के टाइम पे इतनी कि जो विजिटर्स यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं घूमने के लिए आते हैं ठीक है जो बोलते टूरिस्ट लोग वो यहाँ पर कभी जा ही नहीं सकते इतनी बारिश होती है इसलिए लिखा है कीप मेनी विजिटर्स अवे माने दूर द सीजन ऑफ जॉय फ्रॉम एंड कंटिन्यूस टिल मार्च क्या कहा गया देखो द ऑफ जॉय जॉय मतलब एंजॉयमेंट ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि कौन से मंथ में आप यहां पर या फिर कौन सा टाइम पीरियड ऐसा होता है जहां पर आप कुर्ग में विजिट कर सकते हैं वहां पर घूम सकते हैं तो बताया गया द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस कमेंसेस मतलब कब आता है अल्टीमेटली तो फ्रॉम सेप्टेंबर टू कंटिन्यू टिल मार्च यानी कि आप सेप्टेंबर से शुरू करके मार्च तक जा सकते हैं यानी कि अगर आप कभी कुर्क कुर घूमना चाह रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड क्या है सेप्टेंबर से मार्च के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं ठीक है आई होप यहां तक आपको समझ में आया आगे बढ़ते हैं द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शॉवर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स द एयर बीड्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी क्या मतलब है देखो समझते हैं आगे देखो द वेदर इज परफेक्ट ठीक है वेदर वहां का जो है काफी परफेक्ट है विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स यानी कि कहने का मतलब यह कि अगर आप कभी सेप्टेम्बर तक की से मार्च के महीने में अगर आप जाते हो तो कभी कभी क्या ना शॉवर वहां पर हल्की 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 फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है और ऐसी बूंदाबांदी जो कि वो आ, ग्रीन फॉरेस्ट को एवर ग्रीन फॉरेस्ट को हमेशा ग्रीन रखने में हेल्पफुल होती है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस यानी कि आपको कहने का मतलब यह है कि वहां पर अगर आप कभी भी जाएंगे तो अगर बारिश होती है तो आप कभी ये आश्चर्यचकित कितना हो कि भैया इस टाइम पे कैसे बारिश हो गई क्योंकि वहां पर ये नॉर्मल बातें पे केवल बूंदाबांदी जैसी बारिश होगी in मतलब नहीं का मतलब है कि वहां पर जो हवा बहती है उस हवा में कॉफी की स्मेल आती है ठीक है द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग और इनविगोरेटिंग का मतलब क्या होता है फुल्ली एनर्जेटिक मतलब ना एकदम ज्वलनशील टाइप तो द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी यानी कि वहाँ की जो एयर होती है उसमें कॉफ़ी की स्मेल आती है और वो स्मेल स्मेल करने के बाद में जो भी सुस्त सा व्यक्ति होता है वो एकदम एनर्जेटिक हो जाता है हम लोग कॉफ़ी पीते हैं कॉफ़ी क्यों पीते हैं क्योंकि हम लोग मान लो कभी कभी टायर्ड फील करने लगते हैं या थक जाते हैं तो कॉफ़ी पीने के बाद में वे एनर्जी के साथ में काम करना शुरू कर देते हैं तो बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी वहाँ की जो एयर वहाँ पर बहती है उसमें कॉफ़ी की स्मेल हमें देखने को और स्मेल करने को मिलती है डन चलो आगे बढ़ते हैं कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोस तो अब सर बोलोगे सर आपने पीछे वाली स्लाइड में फोटो का क्यों लगाया था तो ये क्या स्टेट्स बंगलो है यहाँ ये क्या है वहां के बंगलोस हैं तो कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोस स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज ट्रीज कैनोपीज क्या बताएंगे अभी आपको ठीक है इन प्राइम कॉर्नर्स तो पहली चीज तो हम समझते कि कॉफी स्टेट्स क्या होते हैं ठीक है ठीके? कॉफी स्टेट्स का मतलब होता है कि जहाँ पर मान लो हम लोग ज्यादा कॉफी होती वो वो वाला आप समझ सकते हो यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफी की खेती होती है या फिर आ, बस वही मानेंगे ठीक है तो कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोस कॉलोनियल बंगलोस आपने देख लिए ठीक है कुछ इस तरीके से एंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज क्या होता है देखो रूफ लाइक कवरिंग दैट ठीक है फॉर्म शेल्टर्स थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको एक मिनट ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया तो हाँ कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोस तो कॉफी स्टेट आपको बताए बता दिया आपको ठीक है और एंड कॉलोनियल बंगलोस तो ये बंगलोस जो है हमारे कहाँ पर स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैन देखो ये आपको ऐसा पेड़ वाला एरिया दिखेगा घना जंगल टाइप और इसी बीच में क्या होगा एक बंगलो एक मतलब घर बना होगा तो उसको क्या बोला गया है टग्ड अंडर ट्री कैन यानी कि जो बंगलेज वगैरह हैं जो घर वगैरह आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको ऐसे कैनोपीस में और कैनोपीस क्या होता है थोड़ा सा और अगर डिटेल में एक्सप्लेन करें तो आपको बताते हैं पेड़ दिख रहा है आपको ये वाला जो एरिया है स्टूडेंट्स ठीक है ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कैनोपीस ठीक है canopies, पेड़ जो होता है ऐसे थोड़ा सा और मैं गंदा सा डाइग्राम देता हूँ ये मान लो हमारा पेड़ है ठीक है ये मान लो पेड़ बना दिया तो ये वाला जो एरिया रहेगा इसको बोलते हैं कैनोपीस ठीक है यानी कि जो झाड़ियों वगैरह से ढका हुआ रहता है उसको बोलते हैं कैनोपीस डिटेल में एक्सप्लेन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स बहुत मजा आएगा उम्मीद करता हूँ आपको ठीक है और <coughs> एक मिनट हां कॉफी स्टेट मतलब समझ में आ गया आपको उम्मीद करता हूं कॉफी फार्म्स भी बोलते हैं इसको कभी कभी और फार्म्स कॉफी फार्म्स भी बोलते हैं ठीक है तो इस स्लाइड को कंक्लूड करते हैं एक बार तो कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टगड अंडर ट्री तो कॉफी स्टेट यानी कि कॉफी फार्म्स जो हैं और जो कॉलोनियल बंगलोज हैं जो कि हमें दिख रहे हैं यहाँ पर वो कहाँ पर इस चीज सिचुएटेड है देखा जाए तो कैनोबीज में और कैनोबीज क्या होती है ये स्ट्रक्चर आपको बता दिया इन प्राइम कॉर्नर्स प्राइम कॉर्नर्स का मतलब क्या है हियर बेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट लोकेशन पर आपको ये सब देखने को मिलेगा प्राइम मतलब बोलते हैं ना प्राइम लोकेशन पे आपका घर है तो इसका मतलब बेस्ट लोकेशन पे आपका घर है तो ये सब क्या हमें कहाँ देखने को मिलेगा एकदम प्राइम लोकेशन पे डन चलो आगे बात करते हैं द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट क्या कहने का मतलब है स्टूडेंट्स चलो समझते हैं ये फिक्स स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी द फियर्सली मतलब फियर्सली मतलब क्या है हम बोलते हैं ना एक वर्ड है हमारा फियरलेसली मतलब निडर तो क्या कहने का मतलब है द फ्यर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट मतलब ये कि कुर्ग में रहने वाले जो लोग हैं कुर्ग में रहने वाले जो लोग हैं उनके जो बोलते हैं ना पुरखा हमारे यहाँ पर बोलते हैं पुरखा जो पूर्वज हैं ठीक है ठीके? तो द फ्यसली इंडिपेंडेंट यानी कि जो निडर इंडिपेंडेंट लोग हैं कुर्ग के आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट यानी कि उनके जो पूर्वज हैं हमें वो कहाँ के देखने को मिलते हैं ग्रीक और अरेबिक यानी कि उनके जो जो हाँ पूर्वज जिसे राइट वर्ड ये समझ सकते हैं आप तो उनके अंदर क्या डिसेंट देखने को मिलेगा हमें वो कहाँ के हैं ग्रीक और अरेबिक सर भारत में कर्नाटक है और कर्नाटक में गुर्ग है हमारा तो फिर ग्रीक और अरेबिक कहाँ से आ गए सबसे बड़ा प्रश्न ठीक है समझते हैं आगे अगर हमारी बुक में दिया है तो कुछ ना कुछ रीजन डेफिनेटली है ठीक है चलो तो, क्या है एज वन स्टोरी गोस कुछ कहानियां बताई गई हैं कुछ फैक्ट बताए, है कुछ बताए गए हैं यानी कि कुछ स्टोरी बताई गई हमें जिसके माध्यम से हमें यह समझने को मिलेगा कि क्यों बोला गया है कि ग्रीक और अरेबिक डिसेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है चलो

साउथ अलॉन्ग द कोस्ट यानी कि वो साउथ की तरफ आए थे और साउथ में हमारा क्या है कर्नाटक है और कर्नाटक में क्या हमारा कुर्ग है तो एक बार एलेक्टर अपनी आर्मी के साथ में साउथ की तरफ आए अलॉन्ग द कोस्ट यानी कि समुद्री इलाके से एंड सेटल ही सेटल डाउन हो गए सॉरी सेटल्ड हो गए तो जब एलेग्जेंडर अपनी आर्मी के साथ में इस तरफ आए कुर्ग के साइड में साउथ में तो जब वापस जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ इम्प्रैक्टिकल हो गया तो ये लोग वहीं सेटल हो गए ठीक है अब वापस जाना क्यों पॉसिबल नहीं हुआ देर आर सो मेनी मे बी ठीक है बहुत सारे कारण हैं जो कि हमें अभी पता नहीं है ठीक है ठीक वेट अ मिनट 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 तो एक minute, एक minute. चलो कहां थे हम लोग आज यार कोई है नहीं ना यार हमारे वो सैनिक मिलिट्री वाले बच्चे तो बता देते सर आपके बाल बिगड़ गए यार चलो तो यहाँ तक कहानी हमने पढ़ ली तो जब वो एलेक्की आर्मी के पास जो वापस नहीं जाना उनके लिए मतलब बोलते हैं ना वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया तो वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए दीज पीपल मैरिड यानी कि जो अलेक्जेंडर के आर्मी के जो लोग थे ठीक है? मार्शल ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंग फ्रॉम द हिंदू मैन स्ट्रीम देखो कितनी सारी बातें कर दी गई थोड़ा सा पैक करते हैं आपस एक बार तो आपको और समझ में दीज पीपल मैरिड अमोंग इज द लोकल्स सिंपल अलेक्जेंडर की आर्मी के जो लोग वहीं पर शिफ्ट हो गए थे अब उन्होंने क्या करा? वहीं की महिलाओं से शादी कर ली ठीक है एंड देर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन और उनके जो अब कल्चर थे जो मार्शल ट्रेडिशन उनमें था यानी कि ब्रेवरी वाला ठीक है और जो मैरिज है और जो रिलीजियस राइट्स थे विच आर डिस्टिंग फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम अब ये हिंदू मेन स्ट्रीम क्या है ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो हिंदू मैनिस्ट्री मतलब आप अगर बिलीव करेंगे तो अधिकतर जो लोग है वो हिंदू धर्मों से बिलोंग करते हैं हिंदू प्रचलित है धर्म ही सबसे तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अरेबियन और जो ग्रीक लोग थे सॉरी जो किसके बारे में बात चल रही है डायवर्ट हो गया थोड़ा सा एक कहा थे हम लोग ग्रीक और अरेबिक के बारे में सॉरी तो ये क्या है यहाँ पर आ, जो ग्रीक और अरेबिक जो लोग थे अल्टीमेटली वो वहाँ पर सेटल हो गए वहाँ की महिलाओं से उन्होंने शादी कर ली तो उनके जो कल्चर्स वगैरह है वो आज के डेट में हमें वहाँ देखने को मिल सकें ठीक है तो क्या क्या देखने को मिल रहा है उनके ट्रेडिशन यानी कि रिलीजियस राइट्स जो हैं जो मैरिजेस वगैरह हैं वो एंड विच आर डिस्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मतलब अलग हैं हिंदू मैनिस्ट्रिम से हिंदू मैनिस्टिम का सीन क्या है कि मान लो एक ऐसी सोसाइटी जहां पर अस्सी नब्बे परसेंट लोग जो हैं क्या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वहीं पर दस परसेंट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे धर्म को मानने वाले हैं दूसरा यानी कि उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल उनसे अलग है डन तो वही बता रहे हैं द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोर्ट अब यहाँ पर अरबियन वाली बात कही जा रही है वो भी देखते हैं कि क्यों ग्रीक और अरब बोला गया है तो देखो द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजन अरब ओरिजन की बात कैसे बता रही तो द थ्योरी ऑफ सॉरी द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द अब सर ये क्या सीन है तो पहले तो पहले आप समझो क्या होता है ठीक है जो कुर्ग में रहने वाले लोग हैं ठीक है ठीके? उनको बोलते हैं कोडाबुस सिंपल वो क्या है कोडाबुस तो द थ्योरी ऑफ अरेबियन और अरब ओरिजन तो अरब ओरिजन की अगर हम बात करें तो क्या बताने ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग अब अरब ओरिजन के जो लोग थे वो क्या पहनते हैं लॉन्ग ब्लैक कोट जैसा कि हमें दिख रहा है इस फोटो में Long black coat with an embroidered waist belt. ये आपको जो belt दिख रहा है है ठीक पर एम्ब्रॉयडरी करी गई है ठीक है 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 ये बेल्ट जो आपको दिख रहा है, इस पे क्या एम्ब्रॉयडरी करी गई है कढ़ाई करी गई है और ये क्या है एक लंबा ब्लैक कोट है ठीक है तो ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉय वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडाबुस और ये जो पर्सन है इन्होंने पहन रखा है इनको क्या बोला जाएगा कोडाबुस क्योंकि ये कहां पर रहने वाले हैं कुर्ग में डन आई थिंक यहाँ तक सीन क्लियर है अगर आ, कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग पॉज करके रिपीट करके देख सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है चलो आगे बात करते हैं नोन एज कूपिया अरे यार ये क्या आ गया खुफिया खूपिया चलो वो भी देख लेते हैं तो द थ्योरी ऑफ अरब और हमने देख लिया है वॉन बाय द ये कोडावूज पहनते हैं आगे बताया जा रहा है नोन एज कुपिया और इस ड्रेस का नाम क्या है स्टूडेंट्स इस ड्रेस का नाम है कूपिया इट रिजेंबल्स द खुफिया सॉरी अलग अलग तो नहीं हाँ बेटा अलग अलग है वो चलो क्या है सीन वो देखते हैं

कुर्ग में जो लोग क्या बोलते हैं Kodavus. और कुड़ावुस जो ये ड्रेस पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं और साथ में अब क्या बता रहे अरब और Kuts. तो अरब और कूड्स क्या है ईरानी तो अरब और कुर्स जो ड्रेस पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं कुफिया लिखा ना कुफिया वॉन्ड बाई द अरब दूर्ड्स डन चलो आगे बढ़ते हैं कुर्गी होम्स है ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस क्या है आगे देखेंगे तो पहले समझ लेते हैं इतना तो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटल यानी कि जो कुर्गी लोग हैं वो हमेशा अपने किसकी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं हॉस्पिटली मतलब मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस और विलिंग मतलब बहुत ज्यादा बताने की या बहुत ज्यादा जानने की इच्छा या अपने मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला सीन वो एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टाइल्स ऑफ वेलर क्या मतलब है स्टोरीज ऑफ़ करेज एंड ब्रेवरी यूजली इन वॉर यानी कि जब एक तो वो हॉस्पिटलिटी के लिए फेमस है और साथ में कह रहा हूँ उनको अपनी कहानियाँ बताने का बहुत शौक है बहुत वो ईगर रहते हैं उसके लिए यानी कि बहुत एक्साइटेड रहते हैं और कहानियाँ भी कौन सी स्टोरी ऑफ करेज एंड ब्रेवरी और स्पेशली कहाँ पर वॉर के टाइम की कहानियाँ बताने में वो ज़्यादा उत्सुक महसूस करते हैं रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर और वो जो कहानियाँ होती है डेयर स्टेंट्स वो किससे रिलेटेड होती है उनके बच्चों से देर सन एंड फादर उनके पिताजी से ना कि हमारे पिताजी मतलब वॉर में कुछ इस तरीके से ये ब्ला 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 उन्होंने अचीव किया था ये सारी चीज़ें मतलब बहादुरी के बारे में तो ये कुछ आपको फोटोज देखने को मिलेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं

चलो पहले आप इनका फोटो देख लीजिए ठीक है ये है माननीय लेट श्री जर, जनरल करियप्पा ठीक है इनका फोटो जितना बेस्ट लाने की कोशिश कर रहा हूं उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा चलो तो द कुर्ग रेजिमेंट ठीक है द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेट अब रेजिमेंट क्या होता है आपको पता है ठीक है चलो नहीं पता तो हम बताते हैं कि कर्नल के नेतृत्व में ठीक है सेना की टुकड़ी कर्नल के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ठीक है

करियप्पा ठीक है लिखा है वॉज अ कुर्गी और जनरल करियप्पा कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे साउथ क्षेत्र से और वो क्या थे एक कुर्गी थे ठीक है वो क्या थे एक कुर्गी चलो आगे बढ़ते हैं इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है यहाँ पर चलो ये आपको कोडावस लोग दिख रहे होंगे यहाँ पर ठीक है इनके पास में जो बंदूकें आपको दिख रही हैं ये क्या है फायर आर्म्स है ठीक है तो इवन नाव अगर आज के बारे में लोग बात करें तो कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू तो कैरी फायरमैन फायर, फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस हम अगर आज की डेट में कोई बंदूक वगैरह या कुछ भी गन वगैरह रखते हैं तो हमारे पास में उसके लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट हमें लाइसेंस अगर देती है तब जाके हम लोग ये फायर आर्म्स वगैरह हम लोग रख सकते हैं लेकिन क्या बता रहे हैं कि कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया कोडावस पूरे भारत में इकलौते ऐसे पर्सन है ठीक है जिनको फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस रखने का परमिटेड है यानी कि वो लोग बंदूक रख सकते हैं बिना लाइसेंस के डन नाउ आगे बात करते हैं द रिवर कावेरी ऑप्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग क्या कहने का मतलब तो देखो कावेरी नदी के बारे में हम सबको जानते हैं ठीक है कृष्णा कावेरी गंगा वगैरह जो नदियां हैं इनके बारे में पता होगा तो द रिवर कावेरी ऑप्टेन इट्स वाटर जो कावेरी नदी वो अपना पानी कहाँ से लेती है फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग कुर्ग की जो पहाड़ियां हैं वहाँ से और जो उसके फॉरेस्ट हैं वहां से क्या बताएगा देखो बहुत सुंदर सुंदर फोटो हैं आप लोग एंजॉय करें क्या बताया जा रहा है देखो महाशीर महाशीर ठीक है अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड यहाँ के पानी में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है देखा जाए तो एक महाशीर फोटो है जो एक मछली है ठीक है महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर यानी कि यहाँ के पानी में क्या मिलेगा हमें महाशीर मछली देखने को मिलेगी <coughs> ठीक है ये क्या है किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच अब ये क्या है किंग फिशर क्या है एक पक्षी है ठीक है जो क्या कर रहा है डाइव कर रहा है और यहाँ पे मान लो हम लोग मछली है तो किंग फिशर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे ठीक है यहाँ पर हमें किंग फिशर भी देखने को मिलेंगे जो क्या है ना आ, पानी के अंदर मछली को डाइव करने के लिए जाते रहते हैं भैया स्क्वेर एंड लंगूर ड्रॉप पार्टिकल सॉरी पार्शली हाँ पार्शली ईट एन फ्रूट फॉर द मिशीफ ऑफ एंजॉयंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर देखो कितने सुंदर फोटो समझ में आ रहे हैं okay. तो ये क्या गिलेरी है गिलहरी है ठीक है और ये क्या है लंगूर अब क्या सीन है देखो ये क्या करेगा थोड़ा देखते हैं आगे देखो हम लोग करते हैं ठीक है तो भी इन द सेंस जो छोटे छोटे वगैरह हैं जो एनिमल्स uh, वगैरह हैं ये लोग भी एंजॉयमेंट करते हैं अपने अपने लेवल पे तो स्कर्ल्स माने एंड ये दिख रही है आपको गिलेरी और ये क्या है लंगूर ड्रॉप पार्शली इटन पार्शली मतलब क्या होता है आधा खा के फेंक देना आधा खा के आधा खाया हुआ तो ये क्या करते हैं ये जो आपको दिख रहा है खाते हुए ठीक है तो क्या करेंगे आधा खाएंगे ईटन फ्रूट फॉर द मिशीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश ऑफ द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर अभी दोनों क्या करेंगे आधा इसको खाएंगे और आधा पानी में फेंक देंगे क्यों फेंक देंगे पानी में फेंकने पर उनको आनंद की अनुभूति होती है क्या क्या मतलब जब पानी में आधा फेंकेंगे तो वो पानी स्प्लैश होगा और फिर वो क्या करेंगे उस पानी का रिपल इफेक्ट कि पानी कैसा दिख रहा है यानी कि मैंने अगर पानी में कंकड़ मारा तो पानी स्प्लैश हुआ वो कैसा दिख रहा है उसके बाद में पानी का नजारा कैसा है तो वो देखने पर इनको काफी आनंद की अनुभूति होती काफी खुशी होती काफ़ी जॉय फील होता है है ठीक ये क्या करते हैं मतलब उसको आधा खा के फेंक देते हैं डन चलो आगे चलते हैं एलिफेंट्स एंजॉय बींग बाथ एंड स्क्रब्ड इन देयर रिवर बाय देयर महोत्स क्या मतलब है चलो वो समझते हैं अब ये फीलिंग देखे कभी आना चाहिए कास्ट में हाथी होता तो साला हमको भी नहीं लाया जाता ठीक है तो देखो क्या है एलिफेंट्स एंजॉय बिंग बाथ ठीक है एलिफेंट्स एंजॉय करते हैं जब उनको नहलाया जाता है ठीक है एंड स्क्रप्ड इन द रिवर बाय देयर मोह यानी कि नदी में जब वो महोत कौन होता है जो बेसिकली हाथियों की देखरेख करता है, है ना कि हाथी का जो मालिक होता है बेसिकली उसको महोत बोला जाता है ठीक है तो एलिफेंट्स एंजॉय बिंग बाथ एंड स्क्रप्ड इन दियर रिवर बाय देयर महोत तो जब उनके महोत जो है उनको नहलाते हैं ठीक है उनको रब करते हैं तो नदी में तो महोत्सव के ना काफ़ी अच्छा सॉरी हाथी को काफी अच्छा फील होता है काफी एन्जॉय करता है वो

ठीक है ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा ले लेजी हो जरा घूमने फिरने का किसी काम को करने में उसकी एनर्जी नहीं है उसकी बॉडी में ठीक है तो क्या कहने मोस्ट लेड बैक ऐसे पर्सन भी क्या होते हैं इंडिविजुअल्स लिखा ऐसे पर्सन भी बिकम यानी कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी यानी कि काफी एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं वो कहां पर कुर्ग में आके ठीक है लाइफ एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग क्योंकि भैया कुर्ग में क्या है बहुत सारे एडवेंचर्स करने को आपको मिलेंगे तो यहां पर क्या है एडवेंचर विध रिवर राफ्टिंग रिवर राफ्टिंग क्या है आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स ठीक है कुछ इस तरीके से रिवर राफ्टिंग होती है, ट्रेवल, अब क्या होता है? इसमें डिटेल बताया इन, इन राफ्ट ठीक है वो चप्पू चलाते रहते हैं।, उसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग और डिटेल में देखना देखिए ठीक है थीके? कुछ इस तरीके से तो ये क्या है स्टूडेंट्स रिवर राफ्टिंग मृदू फुल एनर्जी के साथ में ठीक है ये क्या है रिवर राफ्टिंग चलो ये है कैनोइंग यानी कि रिवर राफ्टिंग के अलावा वहां पर हमें करने को मिल सकता है कौन कौन से हम एडवेंचर कर सकते हैं तो कैनोइंग है? मतलब कैनोइंग एक दो लोग चप्पू चलाते रहते हैं इसको बोलते हैं कैनोइंग तो वहां पर आप ये एडवेंचर कर सकते हो ठीक है एंड रैपलिंग रैपलिंग क्या होता है गोइंग डाउन अ क्लीफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप यानी कि आपको दिख रहा होगा तस्वीर में कि ये पहाड़ पे खड़े हैं भैया और पहाड़ से फिर रस्सी बांध के नीचे आ रहे हैं ठीक है कुछ लोगों के मन में विचारा का जहाँ दौड़ ले रहे हो है? सारा सड़क गए फिर ठीक है तो अल्टीमेटली क्या है देखो जिसको थ्रिल करने का और ट्रैकिंग वगैरह करने का काफी एन्जॉयमेंट करने का मन होता है ना लाइफ में वो लोग ये सब करते हैं ठीक है भाई मैं तो नहीं करता हूँ ठीक है यार चलो डन यहाँ तक क्लियर है तो रैपलिंग क्या होता है आपको बता दिया है ठीक है रैप जैसे हमारी रस्सी है तो गोइंग डाउन अ क्लीफ चट्टान से नीचे की तरफ जाना बाय स्लाइडिंग डॉन अ रोप यानी कि रस्सी के माध्यम से आप सहायता लेकर उसको नीचे तरफ जाते रहेंगे आगे क्या होता है रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग रॉक क्लाइंबिंग क्या है चलो वो भी देख लो फोटो में दिख रहा होगा आपको तो यहां पर अल्टीमेटली इस पैराग्राफ में बताया गया है कुछ एडवेंचर्स के बारे में जो आपको कुर्ग में जाने के बाद में अगर आप करना चाहे तो आप ये कर सकते हैं तो रॉक क्लाइंबिंग क्या है पत्थरों के ऊपर पहाड़ों के ऊपर चढ़ना ठीक है और आ, ये माउंटेन बाइकिंग क्या है जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये ठीक है सॉरी यार एक मिनट हाँ तो रॉक क्लाइंबिंग बता दिया पत्थरों के ऊपर ऊपर चढ़ना पहाड़ों के ऊपर एंड माउंटेन बाइकिंग ठीक है पर्वतों के ऊपर आपको साइकिल चलाना तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये आदमी जा रहा है हाथ छोड़ के मुंह के बल डला रहेगा दिखना हाँ. ठीक है चलो नाउ न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स अब क्या है ये न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग यानी कि चलते चलते अपने आप रास्ते जब बन जाते हैं ना मतलब बहुत सारे लोग अगर वो किसी पर्टिकुलर रीजन में ट्रेवल कर रहे हैं जा रहे हैं बराबर वॉकिंग कर रहे हैं तो एक अपने आप रास्ता सा बन जाता है वहां पर ठीक है तो उसको बोलते हैं न्यूमरस वॉकिंग तो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स तो ट्रैकर मतलब ट्रैकर्स कौन होते हैं जिनको चलने फिरने का घूमने का चल ज्यादा पैदल चलने का शौक होता है तो क्या होता है वहां पर ऐसे आपको बहुत सारे रास्ते पाथ भी मिलेंगे जहां पर आप वॉकिंग कर सकते हैं ठीक है तो न्यूमरस वॉकिंग इन दिस रीजन वहां पर न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स आपको मिल जाएंगे उस रीजन उस क्षेत्र में यानी कि कुर्ग में ठीक है फेवरेट विद ट्रैकर्स जो किसका फेवरेट है जो ट्रैकर्स का का है है कि अगर कोई चलने फिरने शौकीन तो आपको चलने फिरने के लिए भी जगह मिल जाएगी वहां पर चलो बर्ड्स बीस एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू तो गिव यू कंपनी अब सवाल है कि अगर मान लो आप वहां जाते हैं तो आपको कंपनी देने के लिए कौन कौन है तो देखो बर्ड्स है ठीक है आपको बर्ड्स मिल जाएंगे वहां पर बीज मिल जाएंगे मधुमक्खियां मिल जाएंगी और बटरफ्लाइज आपको मिलेंगे आपको कंपनी देने के लिए डन तो जब भी आप कभी कुर विजिट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी देखो मैंने आपको है ना बिना पैसों में कर्ग की यात्रा करा रहा हूँ मैं आपको ठीक है और चलेगा थैंक यू आप एडजस्ट कर लेंगे अपन ठीक है लेकिन आप देखें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर ठीक है बर्ड बीच बेटर फ्लाई आर दियर तो टू गिव यू कंपनी वो आपको कंपनी देने के लिए ऑलवेज रेडी है ठीक है मैकेक्स मालाबार स्क्ल्स क्या मतलब ये है हमारे ये हमारा मालाबार स्क्वेलर्स एंड मैकेक्स ठीक है तो ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे थोड़ा इधर हो जाता हूं तो आप इसकी भी तस्वीर देख लीजिए अच्छे से नाउ एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी अब देखो क्या कहने का मतलब है एंड स्लेंडर लॉरीज ये है भैया दिख रहा है आपको नजरें गणा बैठा है आपके ऊपर ये नजर रखेंगे आपके ऊपर लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई वो आपका आपके ऊपर ध्यान रखेंगे ठीक है फ्रॉम द ट्री कैनोपी और ट्री कैनोपी क्या हम भी देख चुके हैं ठीक है यानी कि ये वाला एरिया मान लो ये पेड़ है तो ये वाला एरिया यहां से आपके ऊपर नजर रखेंगे कि आप लोग कहीं धूम तो नहीं मचा रहे हैं ठीक है तो आगे देखते हैं आई डू हाउर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स अब वो क्या बोल रहा है हालांकि मैं क्या करने वाला हूं कि अगर मान लो हम लोग जा रहे हैं और मान लो अगर हमारे सामने वाइल्ड एलिफेंट्स अगर आ जाते हैं यानी कि जंगली हाथी अगर हैं तो हम लोग क्या प्रीफर करेंगे हम करेंगे हम लोग साइड में हो जाएं तो ठीक है ना दुनिया करेगी अगर वाइल्ड एलिफेंट अगर आ जाएगा तो कौन से हम बाहुबलेवर्ग के सामने खड़े हो जाएंगे ठीक है तो बता दिया यहां तक हाँ द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अ पैरानोमिक व्यू अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्कोफुर क्या मतलब है देखते हैं देखो द क्लाइम क्लाइम्बू ब्रह्मगिरी हिल्स अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ेंगे ठीक है तो ब्रिंग bring, तो ब्रिंग्स यू इन टू पेरानोमिक व्यू यानी कि आप अगर मान लो ये क्या है ये हमारी ब्रह्मगिरी हिल्स अगर आप यहाँ पर चढ़ते हैं तो यहां से आपको कुछ व्यूज देखने को मिलेंगे ये panoramic, इसको क्या बोलते हैं इस व्यूज को इस वाले रीजन को नहीं यहां से जो आप खड़े होकर देख रहे हैं और जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं पेरानोमिक व्यूज ठीक है तो पेरानोमिक क्या होता है अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया लैंड आपको वाइड एरिया लैंड दिख रहा होगा यहाँ पर ही बहुत सारा ठीक है ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्कोप ऑफ कुरग यानी कि मिस्टी क्यों बोला गया आपको कोहरा टाइप दिखेगा ठीक है धुंध टाइप दिखेगा इसलिए बोला गया है ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंड तो कहने का मतलब ये कि जब भी आप ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर चढ़ेंगे यानी कि जो ब्रह्मगिरी हिल्स है उसके ऊपर आप चढ़ेंगे तो यहां से जो आपको एक पैरामाउंट माउंट व्यू जो आपको देखने को मिलेगा वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है ये फॉग फॉग टाइप एरिया यानी कि मिस्टी लैंडस्कोप आपको देखने को मिलेगा ठीक है आई होप यहां तक समझ पाया चलो आगे बढ़ते हैं

वॉक अक्रॉस द रोप जब आप इस ब्रिज से होके जाएंगे जब आप इस ब्रिज से होके जाएंगे लीस्ट टू दिक्कस फोर एकड़ आईलैंड तो वो आप कहाँ पहुँचेंगे? एक सिक्सटी फोर एकड़ आईलैंड में पहुँचेंगे। ठीक है जिसका नाम क्या है निसर्ग धामा। चलो आगे बात करते हैं रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मोंग्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाय ठीक है बायल इज बोनस अब देखो क्या कहने का मतलब है रनिंग इंटू का मतलब क्या होता है बेसिकली दो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये ठीक है ये वर्ब है ये प्रिपोजिशन है तो क्या है रनिंग इंटू का मतलब होता है किसी से मिलना ठीक है किसी से मिलना तो रनिंग इंटू बुद्धिस्ट तो अगर आप वहां जा रहे हैं और अगर आप वहां पर बुद्धिस्ट लोगों से मिलते हैं मोंग मोंग मिलता है क्या होता है महंत ठीक है तो रनिंग इंटू बुद्धिस्ट मोंग फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिब्बतीन सेटलमेंट और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स ये है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट तिब्बतीन सेटलमेंट है क्या करो बेटा क्या हो गया नींद आ रही क्या बस बस चलते हैं अपन अभी है ना खत्म हो जाए फिर चलते हैं तो रनिंग इंटू बुद्धिस्ट मॉग फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबियन सेटलमेंट और ये जो आपको दिख रहा है, क्या है dear ये ये बुद्धिस्ट मोंग यानी कि लार्जेस्ट इबीटन सेटलमेंट है यहाँ का ठीक है एक बार इसको एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं तो रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मोंग्स अगर आप वहां जाकर कुर्ग में जाकर बुद्धिस्ट महंस से मिलते हैं ठीक है फ्रॉम जो कि क्या है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टिब सेटलमेंट है एट नियर बाय बायलाकुप जो कहाँ पर है स पास में बायलाकूप के पास में तो वो क्या है आपके लिए एक बोनस है सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अगर आप कुर्ग में जा रहे हैं और अगर वहां पर आपकी मुलाकात किससे हो जाती है बुद्धिस्ट मोंग से और बुद्धिस्ट मोंग कहां रहते हैं ये तिब्बतन सेटलमेंट पे जो कहां पर है बायलाकूप में तो आपका उन मन से मिलना एक बोनस है आपके लिए ठीक है क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं ये मान के चलें आप ये आपको थोड़ा सा और डिटेल में अगर रिव्यू देखना तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ठीक है चलो ना आगे बढ़ते हैं मैनी so, सरप्राइजेस हम लोग पीछे तो नहीं सही जा रहे ना बेटू हाँ ठीक है द मोन्कर एंड येलो रोप्स आर अमोंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट here इन कुर्ग क्या कहने का मतलब है देखो ट्रस्ट में मुझे पता भी नहीं चला कि हमारा चैप्टर कब खत्म होने वाला आ गया मुझे तो एक पल के लिए मतलब कर्नाटक की पहुंच गया था कर्ग में ठीक है मुझे पता नहीं चला बस लास, ये लास्ट ये लास्ट स्लाइडेड डिस्ट्रेंट्स ठीक है तो क्या कहने का मतलब है द मोंग्स इन रेड वहाँ के जो महंत हैं बेसिकली जो मोंग है वो क्या है आपको रेड ऑकर एंड येलो रोप्स में यानी कि ये आपको दिख रही हुई ड्रेस इनकी तो कुछ रेड ऑकर और येलो ड्रेस में आपको देखने को मिलेंगे आर अमोंग द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स और ये लोग इंतजार करते हैं कि जो विजिटर्स आते हैं जो वहाँ पे ट्रेवलर्स आते हैं वो क्या करें डिस्कवर्ड उन्हें खोजें ठीक है सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया जो अल्टीमेटली देखा जाए तो भारत में आ, सही मायने में जो भारत को डीप लेवल पे जानना चाह रहे हैं लिखा है इसमें कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया जो भारत का हार्ट है भारत की जो सोल है अगर सच में उसको जानना चाह रहे हैं तो वो वहाँ कर हमें खोजें विजिटर्स ठीक है तो वो कहाँ पर है अल्टीमेटली देखा जाए तो राइट हिर इन कुर्ग तो वो यहाँ पर आए यहाँ पर कहाँ पर कुर्ग में आए एक बार फिर से चेकआउट कर लेता हूँ थोड़ा सा अगर हॉच हो गया हो तो देखो क्या कहने का मतलब है द मोंग्स इन रेड ऑगर एंड येलो रोप्स तो ये महंत हैं वहां के ये क्या है रेड ऑगर एंड अलग अलग ड्रेस में आपको मिल जाएंगे वो अलग अलग ड्रेस कौन कौन सी है रेड ऑगर एंड येलोज रोप्स आर अमोंग द मैनी सरप्राइजेस ठीक है वो दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स ये मंत वेट करते हैं कि वो जो विजिटर्स आएंगे जो विजिटर वहां पर आ रहे हैं विजिट करने के लिए वो क्या करें वो हमें खोजे खोजे इन द सेंस हमें मिलें ठीक है यानी कि अल्टीमेटली हमें जाना है और हमें उनको ढूंढना है हार्ट एंड सोल और इसलिए बोला जा रहा है स्टेटमेंट कि अगर कोई सच में भारत को डीप लेवल पे और भारत को हार्ट को और भारत की सोल को अगर देखना चाह रहा है महसूस करना चाह रहा है तो वो आए और कहां पर आए राइट right हियर Kurg यानी कि कुर्ग यहां पर इसीलिए उसको बोला गया है जन्नत हेवन आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया और इसी के साथ हमारा थैंक यू तो लिटल बता रहा मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि हमारा चैप्टर ये वाला जो सेक्शन था ओवर हो गया है तो फिर बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे पिक्स लगाए थे और काफ़ी अच्छे फोटोज हैं अगर आप बाय हार्ट फील करोगे ना तो आप एक पल के लिए कर्नाटक पहुँच जाओगे कुर्ग में ठीक है तो मुझे लिटरली चैप्टर काफ़ी पसंद है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको बार बार देखें अगर नहीं समझ में आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पर अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कवर किया है तो ठीक है और लास्ट में अब हमेशा की तरह एक बार रिक्वेस्ट कि अगर डियर स्टूडेंट्स ये आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्लास टेंथ के साथ में इवन जो एडवेंचर का शौकीन है उसको भी आप कि ये लेक्चर को आप जरूर देखें टिल देन हम मिलेंगे टिल दैन आप इन्जॉय करें हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑल तो जाते जाते सबको बाय बाय गुड नाइट और जय श्री महाकाल